अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम नबी। बहुत सारे लोगों का दूसरी वीडियोस के नीचे कमेंट की शक्ल में ये क्वेश्चन था कि जब हम अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल डिटेल और मतलब पांचों स्टेप हम अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जब हम अवेलेबल पोस्ट में जाते हैं और अवेलेबल पोस्ट में जाने के बाद अपने मतलूबा डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करके और कॉलेज को सिलेक्ट करके सर्च करते हैं, तो हमारे सामने पोस्टें आ जाती हैं और फिर हम उसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई कर लेने के बाद क्या हमें इस पोर्टल की तरफ से या ऑनलाइन इस सिस्टम की तरफ से हमें कोई ईमेल आएगी या कोई मैसेज आएगा या कोई नोटिफिकेशन आएगा कि आप लोगों की जो है वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो गई है फलां फलां कॉलेज के अंदर जिसके अंदर आपने अप्लाई किया था? तो याद रखिएगा, ऐसा कोई मैकेनिज्म इसमें अभी तक ऐड नहीं किया गया कि आपको कोई मैसेज आए, कोई ईमेल आए या कोई नोटिफिकेशन यहाँ पर कोई प्रोफाइल के अंदर, मतलब इस पोर्टल के ऊपर कोई नोटिफिकेशन एरिया हो जहाँ पर आपको ये पता चले कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड हो गई है। अगर आपने कंफर्म करना है तो सिंपल वो यही है कि आपने जिस रिक्वायर्ड पोस्ट के ऊपर अप्लाई किया हुआ है उसके सामने यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा हो। मसलन यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट कर ले मैं अपना सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर मैं अपना जो है वो डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करके मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखे जिन पोस्टों के ऊपर मैंने अप्लाई किया हुआ है ना, वो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। ठीक है, ये पांच पोस्टों के ऊपर मैंने अप्लाई किया है पांच डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, तो जिसके सामने डिलीट का ऑप्शन आ रहा है ना, ये इसका मतलब ये कंफर्म है कि आपकी एप्लीकेशन इस कॉलेज के लिए सबमिट हो गई है। ठीक है, इसी तरह जिस जिसके सामने मतलब जहां जहां पे आपने अप्लाई किया था उसके सामने अगर डिलीट का ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है इस कॉलेज के लिए। अगर आपने अपनी प्रेफरेंस को चेंज करना है तो फिर आप इस डिलीट के बटन पे क्लिक करके डिलीट कर देंगे और फिर इसके सामने डिलीट की बजाय अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका कन्फर्म करने का तरीकाकार क्या है, यही है कि आपकी इस प्रोफाइल पेज के ऊपर यहाँ पर आकर जो जो आपने अप्लाई किया था उसके सामने अप्लाई का ऑप्शन ना हो, डिलीट का ऑप्शन हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी एप्लीकेशन इस कॉलेज के लिए सबमिट हो चुकी है। और ये आप चेंज कर सकते हैं आज रात 12 बजे तक, उसके बाद रात 12 बजे के बाद जो है ये डेट जो है वो क्लोज हो जाएगी। मतलब चूंकि डेट जैसे कि आपको पता है एक्सटेंड नहीं होने वाली, तो ये डेट क्लोज हो जाएगी। तो उसके बाद इन तमाम पोस्टों के ऊपर जिनके ऊपर आपने अप्लाई किया था, इन तमाम पोस्टों का डाटा जो है वो आपके उन कॉलेज के अंदर फॉरवर्ड कर देगा ये पोर्टल ब खुद ही, और वो डाउनलोड कर लेंगे। तो ये मेथड है कि आपकी एप्लीकेशन जो फॉरवर्ड हो चुकी है या नहीं। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको ना तो मैसेज आने वाला है, ना ईमेल आने वाली, ना ही कोई नोटिफिकेशन आने वाला है।